मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपये का मुआवजा, अगर कोई ऑर्फन हो जाता है तो 3,00,000 रुपये का मुआवजा, एनिमल लॉस 5,000 रुपये प्रति एनिमल, रिक्शा के लिए 25, रिक्शा अगर जल गई या रिक्शा ख़राब हो गई मतलब बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपये का मुआवजा, ई रिक्शा के केस में 50,000 रुपये का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया तो 5,00,000 रुपये का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था तो 1,00,000 रुपये किराएदार को उसके बिलोंगिंग्स के लिए और 4,00,000 रुपये मकान मालिक को घर जलने के लिए, और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला लेकिन सब्सटैंशियल डैमेज है तो 2,50,000 रुपये का मुआवजा। और कमर्शियल यूनिट दुकान वगैरह अगर किसी की जल जाती है तो 5,00,000 रुपये तक का मुआवजा जो अनइंश्योर्ड है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए या सब्सटैंशियल जल गए और उनको इमीडिएट राहत की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को इमीडिएट ज़रूरत है उन्हें 25,000 रुपये का एक्स ग्रेशिया तुरंत दे दिया जाएगा ताकि उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चल सके। जैसे मैंने कहा कि हेल्पलाइन भी है, ऑफिसर्स के दफ्तर भी हैं, लेकिन एक ऐप भी डेवलप किया जा रहा है, एक आध दिन में वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए लोग अपने यहाँ पर इसमें अपने क्लेम दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद उनको बुला के उनके उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स भरवा लिए जाएंगे। कई लोगों के जिनके घर पूरी तरह से जल गए, उनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डीड्स वगैरह जल गए होंगे, तो उसके लिए स्पेशल कैंप्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाएगा जगह जगह पे ताकि उनको ये कागज़ दोबारा बनवाने में दिक्कत ना हो। ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि उस एरिया में, मैं जब कल गया था चारों तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारों तरफ जले हुए, तो उन उस एरिया की सफाई के लिए तुरंत कार्रवाई करें। मोहल्ले के लेवल पे हर जगह पीस कमिटीज़ बनाई जा रही हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें जल गई जो हो सकता है उनके पास इंश्योरेंस हो, बहुत सारे लोगों के व्हीकल्स जल गए जिनके पास हो सकता है इंश्योरेंस हो, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ टाई अप करके अगर इंश्योरेंस कंपनीज़ भी वहाँ पे कैंप लगा के और इसको जल्द से जल्द लोगों के क्लेम्स को सेटल कर सके। दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकानें और रोज़गार ख़त्म हो गए उनको ईजी टर्म्स के ऊपर सब्सिडाइज्ड लोन्स दिए जा सकें। कई बच्चों की किताबें जल गई तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, चाहे प्राइवेट स्कूल के हों चाहे सरकारी स्कूल के हों, बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। और जो बच्चे अभी CBSE और ICSE बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले थे और इस वजह से नहीं दे पाए, उनकी लिस्ट बना के इन दोनों बोर्ड्स को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दोबारा परीक्षा का वो इंतज़ाम करेंगे। तो ये सारे एफर्ट्स हैं। GTP हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो घायल, मैं खास तौर से सरकारी हॉस्पिटल्स जो हमारे हैं उनको, उन्होंने बहुत शानदार काम किया, सभी डॉक्टर्स ने बहुत शानदार काम किया। मैं खुद भी गया था कई सारे हॉस्पिटल्स में, कई बार गया था और रात दिन मेहनत की है डॉक्टर्स ने भी और सभी कर्मचारियों ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर और उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सर, GTP अस्पताल बड़ा अस्पताल है जहाँ पर ये सब हो रहा है, वहाँ पे CT स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, चल रही है, ये बता रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, बता रहे हैं चल रही है, दिन तक तो नहीं चल रही है, ठीक हो गई है, सुबह से चल रही है, आज सुबह से चल रही है। मुख्यमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बेघर हो गए हैं अभी रहने का कोई इंतजाम नहीं है उनके लिए? रैन बसेरों के अंदर टेम्पोररी इंतजाम कर रहे हैं। वैसे जो मुझे बताया गया है, अगर किसी को भी ज़रूरत है तो रैन बसेरे में कर सकता है, मुझे बताया गया कई कुछ लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों के आसपास दोस्तों के यहाँ चले गए हैं। अरविंद जी, एक सवाल है कि
इस पूरे एपिसोड में आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के ऊपर भी सवालों के घेरे में है कि उनकी छत पर पेट्रोल पंप और पत्थर काफी मिले हैं। सख्त एक्शन लो। आपने क्या किया? सख्त एक्शन लो। मेरे पुलिस नहीं है, अगर पुलिस होती तो हम भी सख्त एक्शन लेते। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं, मैं ये सुबह से देख रहा हूँ, इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का है कोई, या बीजेपी का है, या कोई कांग्रेस का है, जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की, जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे मंत्रिमंडल में कोई है, किसी को नहीं छोड़ना है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लो। उस पर आप बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? आपका क्या कहना है जी? कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या? इससे सजा मिलेगी? ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा? उठा के जेल में डालो जो भी दोषी हैं, उनके वाले दोषी हैं उनको डालो, हमारे वाले दोषी हैं डबल सजा दो उनको, किसी को बख्शो मत। राजनीति करना बंद करो, देश की सुरक्षा के साथ, देश के साथ राजनीति करना बंद करो। सर राजनीति देखना हो गया कि 12 बजे जज को बदल दिया गया जो कल दिया गया, ये दुखदाई है। वो ऐसा एस्टिमेट है नहीं, अब करेंगे सारे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज गोइंग टू डू इट। मैंने कह दिया आपको सख्त से सख्त सजा दो, जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो। ये तुरंत हम कोशिश करेंगे, एक्स ग्रेशिया तो जल्दी से जल्दी देंगे, और जो खाना देने का वो चल रहा है शुरू। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।